हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में जो लेके आया हूँ वो एक बहुत सैड न्यूज़ मिलने के बाद मेरे दिमाग में बहुत एन नंबर ऑफ थॉट्स आ रहे थे, रैंडम थॉट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। न्यूज़ क्या थी, सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत अच्छे एक्टर थे, उन्होंने अपने मुंबई स्थित घर पर सुसाइड कर ली। ईश्वर से प्रार्थना है कि सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्मा को शांति दे। बताया जाता है कि वो डिप्रेशन में थे या मेंटली बहुत टेंशन में थे या प्रॉब्लम में थे, जो भी था एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन थी तो उस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। तो मुझे लगा कि मुझे अपने स्टूडेंट से, अपने छोटे भाइयों से, अपने दोस्तों से कुछ बात शेयर करनी चाहिए जो मैंने अपने लाइफ में फील करी है। कि अगर आपको कहीं छोटी मोटी समस्या हो, कहीं कोई फेलर मिला हो, कहीं आप फेल हो गए हो, असफल हो गए हो, किसी रिलेशनशिप में आप अगर प्रॉब्लम में हो, या कोई भी बात हो जिसके वजह से आप मेंटली टेंशन में हो, तो उसको ऐसा मतलब फियर नहीं बनाना चाहिए कि किसी से हम कह नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, और शेयर करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे। ज़्यादातर दिक्कत होती है ये सोचने की कि लोग हम पे हंसेंगे, क्या कहेंगे लोग, तो उसकी वजह से हम एक थॉट प्रोसेस में जाते रहते हैं और एक लूप में चले जाते हैं। फिर एक लूप वो जो होता है वो होता है क्विट करने का, आखिरी में जो उसका एंड होता है वो होता है क्विट करने का। फिर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फिर फाइनली हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो वाकई में अच्छा नहीं होता है। और जब हम लूप में चले जाते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ऐसा फील होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम वो सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ, कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि हम उसमें उलझ इतना जाएं कि अपना जीवन ही ख़त्म कर दें। बस हम इस बात के लिए परेशान हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चक्कर में हम फंस के पूरा सब कुछ अपना बर्बाद कर देते हैं। देखो, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अपने जो महापुरुष रहे हैं उनकी जीवनी देखो, उनको सीखो, उनसे कुछ सीखो। क्या है, कोई भी लोग रहे हों, राम जी रहे हों, कृष्ण जी रहे हों, महात्मा गांधी जी रहे हों, गौतम बुद्ध जी रहे हों, भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों, कोई भी रहे हों, किसी को भी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, क्या उनकी लाइफ में परेशानी नहीं आई होगी? क्या आई होगी? क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा लोग क्या कहेंगे? सोचा होगा, लेकिन उसको उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा कि उस लूप में घुस गए हों और फाइनली उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, उससे उन्होंने आगे निकलने की कोशिश करी। अभी मुझे जो लगता है इसका एक ही सलूशन है कि आप कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में हो, तो आप अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, बहुत सारे लोग अपने टीचर से बहुत ओपन होते हैं, बहुत सारे टीचर उनको बहुत कंफर्ट फील कराते हैं, टीचर से, किसी से भी आप जाके उसको शेयर कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। और हाँ, अगर आपसे मान लो कोई शेयर करने आता भी है कुछ कभी, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मुझसे कोई शेयर करने आता है, या मैं माँ बाप हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का भाई हूँ, अगर मुझसे कोई शेयर करने आता है तो मुझे उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए, उसको कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो गले तो लगाना ही चाहिए, कम से कम उसको कम्फर्टेबल फील कराना चाहिए। ये कुछ टाइम की बात होती है, उस टाइम बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो उस टाइम के लिए उस बंदे को सपोर्ट करो, कोई भी हो, उसको प्यार दो, उसको हील करो, और वो कुछ दिन बाद वो सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऊर्जा है, बस उसकी ऊर्जा डिस्ट्रैक्टेड है, उसको हमें संभालना होता है। तो दोनों बातें हैं, अगर आप कभी टेंशन में हो तो आप ओपन हो, बोलो लोगों से, बात करो लोगों से बिना कुछ सोचे समझे, फील करो कि मतलब उन अपने अपने अंदर का जो भी डर है, खौफ है, टेंशन है, सब निकालो। रोना आ रहा है रो, चीखना आ रहा है चीखो, और अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसा कर रहा है तो उसको जज मत करो, उसको प्यार दो, उसको समझो, सब सही हो जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ ना कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर मान लो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लो कभी कोई आपको समस्या होती है तो टेंशन मत लो, जिसको भी आप समझते हो कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, उसके सामने आप सब कुछ ओपन कर दो, आपको अच्छा लगने लगेगा और आप इन सब से उबर जाओगे, और जिस काम के लिए आप आए हो इस पृथ्वी पर
वो आप अच्छे से करोगे, खुश रहोगे, खुश रखोगे लोगों को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी ईश्वर से प्रार्थना है कि सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को। अब वैसे बहुत क्या बताएं, उनको भी भगवान स्ट्रेंथ दें, एनर्जी दें कि अपने आप को संभालें। आप लोग भी खुश रहें, अच्छे से रहें, कभी कोई समस्या हो टेंशन मत लो, मुझसे कह दो आके। मैं कुछ नहीं कर सकता तो आपके लिए प्रेयर तो कर ही सकता हूँ, और सब अच्छा हो जाएगा, भगवान सब अच्छा कर देंगे।